आप ब्लैक होल के बारे में कितना जानते हैं? अगर आप एक में गिर जाते हैं तो क्या होगा? कहें कि एक दिन आप अंतरिक्ष की खोज कर रहे थे और मनुष्यों के लिए एक नए ग्रह की तलाश कर रहे थे, लेकिन एक ब्लैक होल का सामना कर रहे थे और तय किया कि इसे क्यों नहीं देखा जाए। क्या आपके पास जीवित रहने का कोई मौका है? आप कैसे बाहर निकलेंगे? क्या किसी और ब्रह्मांड का शॉर्टकट होगा? यदि आप एक ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो यहां क्या होगा? काले और पूरे होने के बावजूद एक ब्लैक होल एक अंधेरा खाली स्थान नहीं है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत में ब्लैक होल का निर्माण बताया गया। एक विशाल तारा के मरने पर एक क्षुद्र अवशेष कोर बचता है। यदि इस कोर का द्रव्यमान सूर्य से कम 3 गुना हो तो गुरुत्वाकर्षण अपराजित होकर कोर को ब्लैक होल में परिवर्तित कर देता है। इसे नाम से भ्रमित ना हो, ब्लैक होल एक छेद नहीं बल्कि एक क्षेत्र है जहां अत्यधिक मात्रा में पदार्थ छोटे स्थान में संकुचित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को 28 गुना बढ़ा हुआ समझें। सूर्य पर चलने से आपका वजन 28 गुना ज्यादा होगा। अब कल्पना करें, 4 सूर्य को सिर्फ 15 मील व्यास की जगह में समेटा गया, वहां का गुरुत्वाकर्षण कैसा होगा? ब्लैक होल का गुरुत्व इतना प्रबल है कि प्रकाश भी निकल नहीं पाता, इसलिए उसे देखा नहीं जा सकता। फिर भी हम हॉकिंग द्वारा खोजे गए गामा किरण बर्स्ट उत्सर्जन द्वारा इसे पता लगा सकते हैं। ध्यान दें कि यह नाम महत्वपूर्ण है, हॉकिंग विकिरण। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्लैक होल दूसरे ब्रह्मांड के लिए मार्ग हो सकते हैं। तो यदि आप एक में गिरते हैं तो क्या आप खुद को एक वैकल्पिक आयाम में पाएंगे? प्रत्येक ब्लैक होल में एक क्षितिज होता है और गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो जाता है कि आप इससे बच नहीं सकते। कोई वापसी का बिंदु। यदि आप खुद को उस बिंदु से बाहर पाते हैं तो आप देखेंगे कि तारे अंधेरे के एक सही चक्र के चारों ओर घुमाए गए हैं। जैसा कि आप ब्लैक होल की ओर खींचने लगते हैं, आप तेजी से और तेजी से आगे बढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण के बल से त्वरित होंगे। ये आपके लिए पहली बुरी खबर है, रेव स्पेस ट्रैवलर। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बहुत बहुत मजबूत है। यदि आप पहले पैर गिरते हैं तो आपके पैर आपके सिर की तुलना में अधिक गुरुत्वाकर्षण महसूस करेंगे, आपका शरीर अलग हो जाएगा। सबसे आम ब्लैक होल को स्टेलर कहा जाता है। वे लगभग 9 मील तक फैल सकते हैं और 20 सूर्य के रूप में भारी हो सकते हैं। यदि आपको एक तारकीय ब्लैक होल की ओर खींचा जाता है तो आप घटना के क्षितिज तक पहुंचने से पहले पूरी तरह से फटा हो जाएंगे। इसलिए सुपर बड़े एक चुनना सुनिश्चित करें जो हमारे सूर्य से 1 मिलियन गुना भारी है। इस मामले में आपका शरीर क्षितिज को पार करते समय सुरक्षित रहेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण आपके पैरों और सिर को लगभग समान ताकत के साथ खींच रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि कहां से खोजें, तो आपको बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में एक है। सौभाग्य से यह हमसे 165 क्वाड्रिलियन मील दूर है और न तो सूर्य और न ही ग्रहों में चूसता है। लेकिन अभी तक अपना सूटकेस पैक न करें, क्षितिज को पार करना चुनौती की शुरुआत है। ब्लैक होल के केंद्र में एक गुरुत्वाकर्षण विलक्षणता है जहां घनत्व अनंत हो जाता है। आप उस केंद्र में दबाया जाएगा और ब्लैक होल के साथ एक बन जाएगा। आप अपने अनुभव के बारे में किसी को नहीं बता सकते। हालांकि एक व्यक्ति जो आपको क्षितिज के बाहर से देखता है वह बहुत अलग तस्वीर देखेगा। जब आप एक ब्लैक होल में गिर रहे थे तो वे आपको धीमा करते हुए देखेंगे, मंद और लाल हो जाएंगे। अंत में आप बस फ्रीज करते हैं और क्षितिज को पार नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक होल में स्थान और समय ने घटना क्षितिज पर रोल का आदान प्रदान किया। समय रुक जाता है जबकि अंतरिक्ष आगे बढ़ता है। आप समय में वापस यात्रा करने से अधिक ब्लैक होल से बचने के लिए घूमने में सक्षम नहीं होंगे। जब ब्लैक होल अंत में मर जाएगा, उसमें से सोखे गए सभी कणों को उत्सर्जित कर देगा आपके शरीर सहित, तो यह बता पाना संभव नहीं होगा कि वे कण आप ही थे या नहीं। हालांकि स्टीफन हॉकिंग ने एक ऐसा तरीका खोजा जिसमें आपके शरीर के बारे में जानकारी खो नहीं होती। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि वैकल्पिक ब्रह्मांड है जिनकी अपनी अलग इतिहास है। इसका मतलब है कि एक वास्तविकता में आप एक ब्लैक होल में गिर गए। नमस्ते। किंतु यदि आप एक ऐसी हकीकत में होते जहां ब्लैक होल्स नहीं होते, फिर भी आप जिंदा रहते लेकिन किसी दूसरे ब्रह्मांड में। हमारे ब्रह्मांड में वापसी का कोई मार्ग नहीं होता आपके पास। क्या आप इस अवसर की खोज करने की हिम्मत करेंगे? क्या ब्लैक होल्स के प्रति आपकी रुचि है? जल्द ही हम आपको अगली अनूठी साहसिक यात्रा पर लेकर जाएंगे।